बाजार में स्पेशल ड्राइव चलाई गई है, इसके हवाले से हमें बताएं। मैं तो आर्मी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने पूरे बाजार में सफाई कराई, उसी रात को भी लगे रहे, और बहुत बहुत शुक्रिया आर्मी का, जो घर में भी पानी दे रहे, बाजार में भी सफाई करा रहे। मैं बहुत बहुत सलूट मारता हूँ आज इंडिया आर्मी को। बताएं जो बाजार में क्लीननेस ड्राइव चलाया गया एडमिनिस्ट्रेशन सुनगोड की तरफ से, ये बहुत अच्छा स्टेप है मेरे भाई कुरैशी साहब, आपका शुक्रिया। आप ये जो हुआ जो पिछले दो दिन से तूफानी बारिशें हुई, इससे पानी की बड़ी जो निकास नहीं था, तो अब जो इन्होंने जो सिस्टम शुरू किया है अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ड्राइव का, ये मखसूस जितनी जो खास जगह हैं उनको तोड़ा जाए ताकि पानी का निकास बन जाए, उससे पूरे बाज़ार को फ़ायदा है और पूरे लोगों को फ़ायदा है, वरना तो हम फ्लड जोन में हैं। अगर ये ऐसी तरीके इंक्रोचमेंट होती रही तो ये पूरा बाज़ार एक ना एक दिन बह जाएगा और लाशों का ढेर लग जाएगा। शुक्रिया। जो है वो मुकम्मल तौर पर लोग इंसानी ज़िंदगी, फिर हमने क्या है कि PHE का पानी जो है वो लोगों को पीने के लिए कर दिया, और शॉर्ट नोटिस में जो है बिजली जो है वो बहाल कर दी है। अभी इस वक्त बिजली, पानी और ट्रैफिक जो है वो बहाल हो गई है। लिस्ट हमारी जो कंपनसेशन के लिए थी प्रिपेयर हो गई है, और नेचुरल क्लाइमिटी के लिए सबसे पहले मैं DC साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि फ़र्स्ट टाइम उन्होंने जो है रिकमेंड कर दिया है। तो ये जो नेचुरल जो क्लाइमिटी थी, जो ये पानी हुआ, ये जो हमारा फ्लड आया है, ये इस कदर आया है कि ये जितने हमारे नाले थे जो तंग थे उनमें मिट ही नहीं सका, और पानी बहुत ज़्यादा था, यानी किसी नाले की हाइट अगर 5 फुट है तो ये पानी इतना आया है कि ये खुद 10 फुट था। हमने इसका HFL रिकॉर्ड करवाया है, हाई फ्लड लेवल, तो हाई फ्लड लेवल के निशान से हमें पता चलता है कि 10 फुट से ऊपर पानी जो आया था जो नालों में सिमट ही नहीं सकता था। उसके अलावा भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है अगर कहीं कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको देखा जाएगा। इसके अलावा ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हुआ है कि इस वक्त जो है एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से, लोकल प्रोमिनेंट फिगर्स की मदद से, व्यापार मंडल की मदद से, और म्यूनसिपल कमेटी के जांबाजों के, मैं तो उनको अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट घोषित करूंगा इंशाल्लाह कि उन्होंने जो है बड़े कम समय में यहां पर जो है वो रेस्टोर कर दिया है सारा सिस्टम। और मैं थैंक यू करता हूं आर्मी ब्रिगेडियर 6 सेक्टर RR का और टाउन कमांडर का कि जिन्होंने इस वक्त भी हमें 4 गाड़ियाँ दे रखी हैं जो लोगों को घर साफ सफाई करने के लिए। और लोगों को मैं यकीन दिलाता हूँ आपके चैनल से कि अगर आपकी कोई मदद करेगा, वो यहाँ का काउंसलर है, 13 वार्ड के काउंसलर, हम उनके साथ खड़े हैं। हर वार्ड के काउंसलर ने जो मुतासर था उसने लिखकर उनका कंपनसेशन जो है वो रिकमेंड किया है। हमारा जो है आपस में इस वक्त हमारा 1 पॉइंट प्रोग्राम ये है कि लोगों को राहत दी जाए, लोगों के घर साफ किए जाएँ, और लोगों का कंपनसेशन उनको मिलना चाहिए, और आने वाले वक्त में इसको ड्रेनेज का बेहतर सिस्टम करने के लिए हमने ये अपनी जगह जो है एक अज़म ले रखा।